जानने का शौक है, मैं नाचता फिरूं। बेटा हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और आज है दिन संडे, और आज मैंने ग्रीन साड़ी पहनी है क्योंकि ये बाहर ही धुली हुई पड़ी थी, तो फिर मैंने यही पहन ली। और सावन में वैसे भी ग्रीन ग्रीन पहनने का ज़्यादा मन करता है। तो अभी मैं पूजा करके आई थी और अब मैं जा रही थी खाना खाने के लिए। लेकिन मैं खाना खाने आई तो मैंने देखा कि रोटी नहीं थी, क्योंकि मैंने सारी रोटी नहीं सेकी थी, इन लोगों के लिए बस सेक दी थी। क्योंकि आज संडे था तो मुझे बहुत सारे कपड़े वगैरह सब निकालने थे धोने के लिए, कुछ पैरदान वगैरह भी धोने को पड़े थे, तो ये बहुत सारे काम पड़े हुए थे तो वही करने में लगी थी। तो मैंने अभी अपने लिए रोटियाँ सेकी हैं। बेटा कौन सी पत्तियाँ? तुलसी माता की लाओ। बहुत है बेटा, बहुत है, बस रहने दो, बस चल चाय में डालेंगे। जुकाम हो गया है आयान को, जुकाम हो गया है। और रविवार वाले दिन जो है तुलसी नहीं छूते हैं, रविवार और बुधवार वाले दिन, तो इसलिए जब बच्चों से तोड़वा लेते हैं तो मैंने आयान से तुलसी की पत्ती तोड़वाई है, उसी ने तोड़ दी है। क्योंकि मौसम बदला है, रोज़ बारिश हो रही है तो इसको जुकाम सी हो रही, और थोड़ी सी दवा भी मैंने दे दी है जो ये हाथ में लेके घूम रहा है, पैरासीटामोल, इसमें से थोड़ा सा सिरप दे दिया क्योंकि हल्की सी हरारत लग रही थी, तो वो भी दे दिया। और यहाँ पर काली मिर्च, अदरक और तुलसी पत्ती ये सब डाल के अच्छी सी चाय बना दी है। चाय पीता नहीं है लेकिन मैं इसको ज़बरदस्ती पिला दूँगी थोड़ी सी। तो आ जाइए आप लोग भी कड़क कड़क ये तुलसी वाली चाय पीने के लिए, और चाय वगैरह पी के। और आज मैं दिन में बहुत थक गई थी, फिर किचन वगैरह साफ़ करके ये सब खाना वाना काम फ्री करके मैं दिन भर मैंने किया आराम, शाम तक मैं लेटी रही जाके। फिर फ्री होने के बाद मैं शाम को मैं अपना एक बार फेस वॉश जरूर कर लेती हूँ, क्योंकि पूरे दिन धूल पसीना पूरा खट्टा होता रहता है, इसलिए फेस वॉश करना जरूरी हो जाता है। और हमारी स्किन की मेन प्रॉब्लम पता है क्या है? अगर हमारी स्किन में कभी एक्ने हुए रहते हैं, एक्ने हो गए होते हैं, तो पास्ट एक्ने की वजह से या बहुत ज्यादा हम काम के चक्कर में सन एक्सपोजर में आते हैं, या पिगमेंटेशन की वजह से स्किन बहुत डल लगती है, ब्लेमिशेस लगती है। और हम चाहते हैं कि हमारी स्किन ब्लेमिशेस फ्री हो, ग्लोइंग स्किन हो, चमकती हुई स्किन हो, इससे हमारा क्या कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन स्किन ऐसी हो नहीं पाती है, तो इसकी वजह से तो मैं अपनी स्किन को ग्लोइंग, अच्छा और ब्लेमिश फ्री रखने के लिए यूज कर रही हूँ मामाअर्थ की बाय बाय ब्लेमिशेस फेस रेंज, मामाअर्थ का बाय बाय ब्लेमिशेस फेस वॉश, मामाअर्थ का बाय बाय ब्लेमिशेस फेस सीरम। मामाअर्थ के बाय बाय ब्लेमिशेस फेस रेंज बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि मामाअर्थ के बाय बाय ब्लेमिशेस फेस वॉश में मुलबेरी की नेचुरल गुडनेस के साथ में इसमें विटामिन सी, मुलबेरी आपके ब्लेमिशेस को रिड्यूस करता है और विटामिन सी आपको देता है इवन स्किन टोन। तो इसमें यूज किए गए दोनों ही इंग्रेडिएंट एकदम नेचुरल है और बहुत ही यूजफुल है स्किन के लिए। ये आपको इवन स्किन टोन देते हैं, पिगमेंटेशन को कम करते हैं, ग्लोइंग स्किन बनाते हैं और साथ में इवन स्किन टोन को प्रमोट करते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ बाय बाय ब्लेमिशेस फ्री फेस वॉश से फेस वॉश करने, उसके बाद में मैं यूज करूंगी सीरम। और मामाअर्थ के प्रोडक्ट आपको अमेजोन, नायका, फ्लिपकार्ट आपके पास नियर स्टोर पर भी मिल जाएंगे, जहां से जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। और साथ में अपना कूपन कोड दे दूंगी, तो आप मेरा कूपन कोड यूज करके मामाअर्थ के कोई भी प्रोडक्ट मामाअर्थ की ऐप और वेबसाइट से मंगवाते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट अलग से मिल जाएगा। तो फेस वॉश करने के बाद में स्किन में आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्लियर लग रही है और काफ़ी फ्रेशनेस लग रही है। और यहाँ पर मैं सीरम यूज़ करूँगी, इसको बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में यूज़ करना है और स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, जो कि आपको बहुत ही एकदम ऐसा लगता है ना, स्किन में आप कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है और स्किन आपकी एक अलग ही ग्लो आता है। ये देखिए, तो फेस वॉश और फेस सीरम यूज़ करने के बाद में स्किन में एक अलग ही अंतर आ जाता है। तो ये फेस रेंज आपको देता है ब्लेमिश फ्री स्किन। और मामाअर्थ ने अभी एक नया इनिशिएटिव लिया है कि मामाअर्थ से आप कुछ भी ऑर्डर करके मंगवाते हैं तो वो आपके ऑर्डर को लिंक कर देते हैं विद अ ट्रीट दैट दे प्लांट। तो मामाअर्थ ने 2025 तक 1 मिलियन प्लांट का टारगेट रखा है, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो दोस्तों, आप भी मामाअर्थ के बाय बाय ब्लेमिशेस फेस रेंज मंगवाना चाहते हैं ना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं फिलहाल ब्लॉग में। कैसे लगा है ये? कैसे लगा है? वो ये टॉयलेट कर रहा था ना, तो मैंने कहा पानी डाल दूं, उठा के बाल्टी उठाई, मेरे हाथ छूट गई, पड़ गया ऐसा। फिर मैंने इग्नोर कर दिया, 10 मिनट बाद तूने नोटिस किया। मैंने कहा चलो लगे लगे कोई बात नहीं, बाद में मैंने देखा ये तो भूल निकल आया। अब ये अंतर होता है औरत मर्द में, अभी इतना तेरे हो गया होता ना
तो तूने मतलब पूरा घर सर पे उठा लिया होता। अरे पापा मुझे पता भी नहीं चला। पापा तो नहीं तो जोश लग गई है। पापा तुम्हें तो जोश लग गई। ओह पापा ये बोलो बस लगा कर करो। और आज सोच रहे थे मार्केट से जाके ले आए सामान हफ्ते भर के लिए, साग सब्जी वगैरह लाने जाने के लिए, तो उससे पहले ये बोल रहे थे चाय पी लेते हैं, तो मैंने कहा चलो फिर पी के ही निकलेंगे। तो दोस्तों अभी हो रहा है शाम का टाइम और आज संडे भी है, तो अभी हम जा रहे हैं बाहर क्योंकि संडे वाले दिन ये होता है ना कि हफ्ते भर के लिए कुछ सामान वामान लेके आना हो या स्कूल भी जाता है तो वो सब चीजें लाने के लिए। चंगे आप बोल दो, आज हमने नहीं बोला तो आप बोल दो। भले चंग पूरा बोलो। भले चंग। भले चंग क्या पूरा बोलो। क्या पूरा बताओ। हेलो फ्रेंड्स कैसे हो, भले चंगे हो गए, ऐसे बोलो। भले चंगे हो गए। पूरा बोलो। हेलो फ्रेंड आप भले चंगे हो। भले चंगे हो, सब भले चंगे। आज मैंने नहीं बोला उसको याद है बोलने का, वो पहले से तैयार है, वो बोल भी इसीलिए रहा है कि जल्दी जाए जाए जल्दी खत्म करें बोल के। हो गया पे, हो गया तुम्हारा। चलो करो जा। कमरे की बंद करके आओ, थैला रखा है सिलेंडर के ऊपर ले लो। और आज के दिन इतनी भीड़ होती है ना, ऐसा लगता है कि पूरा शहर आज के दिन ही बाहर निकलता है। और सही बात है, छुट्टी वाले दिन ही सबको बाहर निकलने के लिए मिलता है और रोड में देख सकते हैं ट्रैफिक, इसीलिए स्कूटी से ज्यादा ही बेटर रहता है। पुलिस भी लगती है आज के दिन। देख रहे हैं ना, मार्केट पहुंचते पहुंचते घंटों लग जाते हैं, मतलब स्कूटी से जाने में भी घंटों लग जाते हैं। जिनको काम रहता है वो तो आते ही आते हैं, संडे को काम नहीं भी रहता है तो वैसे भी छुट्टी वाले दिन सब लोग बच्चों को लेके बाहर आते हैं, सब लोग एंजॉय करने आते हैं बाहर से, इसलिए और ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। अब देख सकते हैं ना पूरी गाड़ियों से भरा हुआ था रोड। और यहाँ पर आ गए हम मार्केट में, ये बोल के इसमें तो मैं भी आ जाऊँगी। तो यहाँ पे हम आए थैला देखने क्योंकि कुछ बैग लेने थे सब्जी वगैरह लाने के लिए। जो सामान में बैग मिलते हैं वो उतने मजबूत नहीं रहते, उनकी तनी टूट जाती हैं, तो ऐसे ही पड़े थे, लेकिन मुझे अलग से लेना था थोड़ा मजबूत सा, तो ये जूट के थोड़े मजबूत रहते हैं। और इनको टिफ़िन रखने के लिए भी चाहिए था, तो मैंने सोचा चलो दो तीन इकट्ठे ले लेते हैं सब्जी के लिए भी और टिफ़िन के लिए भी। खाएं ग्रीन बेरी है, वो ग्रेप्स हैं। ग्रेप्स हैं। और उसके बाद में वहाँ पर फल वगैरह भी सस्ते मिल जाते हैं, तो वो सब भी ले लिए। और आते आते काफ़ी देर होने लगी थी, तो हमने सोचा कि सब्जी यहीं से पैक करा के बोले ले चलते हैं, घर पे जाके चावल और रोटी बना लेंगे, क्योंकि पहुँच के टाइम भी बहुत हो गया था, इतनी देर इतना टाइम नहीं था कि पूरा सब कुछ बना पाओ। देखिए मार्केट गई थी तो ये धूप बत्ती ले आई हूँ पूजा के लिए। धूप बत्ती ये ना यहाँ पे लोकल लेने जाओ, धूप बत्ती के पैकेट 20-20 रुपए के मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे ये 10-10 रुपए के मिले हैं। और ये खुशबू वाली अगरबत्ती ले आई हूँ मैं। वैसे आप लोग कहते हैं अगरबत्ती लगाते नहीं है, लेकिन मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, ये फ्लावर वाली जो आती है, इसलिए मैं अगरबत्ती ले आई हूँ, धूप बत्ती ले आई हूँ, ये सारी इतनी सारी ले आई हूँ अगरबत्ती धूप बत्ती पूरी। और बेलपत्र ले आई हूँ क्योंकि बेलपत्र कल लगेगी, मंडे है। और ये बिंदी के पत्ते, और उसके बाद ये कुछ क्लिप्स लाई हूँ अपने लिए, और ये जो बैग हमने लिए ये बैग थैले सब्जी के लिए, इसमें चैन लगी है ऐसे जूट के हैं, तो ये वाला तो ये लेके आए हैं जैसे टिफिन लेके जाते हैं ना के लिए। देखिए इसमें चैन भी लगी है और इसमें इनकी ऑयल की बॉटल भी रखी है, ये ऑयल की बॉटल भी लाए हैं। तो ये वाला है टिफिन रखने के लिए, और ये वाला है इसमें भी चैन लगी है बड़ा है, ये है सब्जी वब्जी रखने के लिए, और एक और है इसके ऊपर सामान रख रखा है मैंने।
ये सामान रखा है इसके ऊपर। तो ये है जैसे कम सब्जी उब्जी लानी है उसके लिए, और इसके अंदर पड़ी है कपूर की गोलियां, ये मैं कपड़ों की अलमारी में रखने के लिए लाई हूँ। और ये है सारी, ये सारे फल हैं। तो यहाँ पे जो मौसमी अगर खरीदने जाओ तो 150 रुपए किलो मिलती है, लेकिन यहाँ से दूर है, पूना मार्केट पड़ती है, वहां से लाए हैं। तो ये पूरी 100 रुपीज की है, इतनी 100 रुपए की 2 दर्जन दी है। और 1 किलो अनार है, और यहाँ पे ये नाशपाती है, क्योंकि सेब थे 240 रुपए किलो और नाशपाती मिले हैं 100 रुपए किलो। नाशपाती भी बहुत फायदा करते हैं, तो मैंने कहा फल फल होता है, नाशपाती ले लेते हैं। और मैंने अभी शाम को संध्या में भी आके धूप बत्ती और अगरबत्ती लगाई है। वैसे तो मैं दीपक ही करती हूँ संध्या में, लेकिन जब कोई नई चीज़ लेके आओ ना और तो मन करता है उसको अभी यूज़ करो। और फिर ये ना कि बरसात के मौसम में घर थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है ना पानी की वजह से, तो अच्छी सी खुशबू आने लगी। और यहाँ पर सब्जी भी मैं आ गई हूँ तुरंत धोने के लिए। और ये देखिए जो मैंने टैब में पाइप लगा रखा था ऊपर से पूरा टूट गया है, जिससे पानी बहुत गिर रहा है पूरी किचन में। बाहर जाने से यही दिक्कत होती है, घर पे रहो, काम में लगे रहो तब जाके ख़त्म होता है। अगर बाहर चले जाओ तो फिर आके लगता है कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो, वरना कल सुबह की फिर टेंशन होने लगती है। तो अभी सब्जी वगैरह सब मैंने धो के रखी है, उसके बाद में मशीन में कपड़े डाल गई थी, खट्टे धोए थे तो वो सब मशीन में पड़े हैं, तो वो भी मुझे निकालने हैं, ताकि जो काम किए उनको मैं पंखे में डाल दूँगी फ़ैन के नीचे, तो वो सूख जाएंगे, बाकी मैं जाके डाल दूँगी बालकनी में। और चावल मैंने बना लिया है, बस मुझे अभी रोटी सेकनी है। और अभी इन्होंने आके चला लिया है बिग बॉस, क्योंकि 9 बजे शायद बिग बॉस शुरू हो जाता है, 9 ही बजे होता है। तो ये आराम से टीवी चला रहे थे तो मुझे और गुस्सा आ रही थी, मतलब नॉर्मली कुछ नहीं कर रहे होते तो मुझे नहीं आता, टीवी में बिग बॉस चल रहा है इसलिए मुझे गुस्सा आ रही थी कि यहाँ तो काम पड़े हुए, आते काम में लग जाओ, नहीं करो तो रात में और लेट हो जाएगा, फिर सुबह की टेंशन रहती है। और ये आराम से टीवी देख रहे, तो ये आके कपड़े डलवाने आए थे और 2 कपड़े डाल के चले गए कि हाँ अब तो हो गया ना। तो ये सब फ्री करके हम जा रहे हैं खाना खाने, आप लोग भी आ जाइए। रोटी बना ली है मैंने, चावल बना लिए, सब्जी ले आए थे, तो आ जाइए डिनर कर लेते हैं। और इसी के साथ में इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग मिलते रहें। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।